हे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शादी की पांच अजब गजब रस्मों के बारे में। दोस्तों, मैं हूँ रोशन प्रसाद, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रहस्य एडवेंचर प्लैनेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पति से पहले आवारा कुत्ते से करनी होती है शादी। हे दोस्तों, झारखंड की रहने वाली 18 साल की मंगली मुंडा की जन्म कुंडली में मंगली होने का दोष था। इस दोष को दूर करने के लिए बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि मुंडा का मंगली दोष हटाने के लिए पहले कुत्ते से शादी करनी होगी। लोगों का मानना है कि अगर लड़की की कुंडली में मंगली दोष होता है तो उसके पति को बीमारियां हो सकती है और उसके परिवार में परेशानियां भी आ सकती है। इसलिए इस अंधविश्वास के साथ मुंडा की शादी शेरू नाम के कुत्ते से कराई गई। इस अनोखी शादी में कुत्ते को कार के जरिए शादी करने के लिए लाया गया था। मंगली मुंडा कभी स्कूल नहीं गई है। इस शादी के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह कुत्ते से शादी करके खुश नहीं है, लेकिन कुत्ते के साथ शादी करने से उसके सितारे बदल जाएंगे। नहीं, मैं शादी से खुश नहीं हूँ। हे दोस्तों, इस तरह की अनोखी रस्म को साउथ कोरिया में शादी से पहले अमल में लाया जाता है। इस रस्म में दूल्हे को जमीन पर लिटाने के बाद उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसके तलवों पर गटरे से मारा जाता है। दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी बारी बारी से आकर दूल्हे के तलवों पर गटरे से मारते हैं। साउथ कोरिया में गटरे को फलाका कहा जाता है। इस रस्म को हल्के मूड में निभाया जाता है ताकि दूल्हे को शादी की पहली रात के लिए मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि जर्मनी के नाजी में इस तरह से शारीरिक दंड दिया जाता था। स्कॉटलैंड में दुल्हन को किया जाता है काला। हे दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन को कालीख लगाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के साथ ही रिश्तेदार दुल्हन को एक पेड़ से बांध देते हैं और उनके ऊपर खराब दूध, आटा, चॉकलेट, सिरप, अदे और इसी तरह की अन्य चीजें डालते हैं। इस दौरान रिश्तेदार बुरी शक्तियों को भगाने के लिए बर्तनों को पीटकर शोर भी करते हैं। हालांकि इस तरह की रस्में स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में ही मनाई जाती है। केनिया के मसाई में दुल्हन पर थूक कर देते हैं आशीर्वाद। हे दोस्तों, केनिया के मसाई में रहने वाले लोग शादी से पहले दुल्हन का सर मुड़वाते हैं, जिसके बाद दुल्हन के सर पर जानवर का मांस और तेल लगाया जाता है। इसके बाद दुल्हन का पिता अपनी बेटी के सर पर थूक कर उसके भविष्य में समृद्धि लाने के लिए अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। पीपल या केले के पेड़ से होता है गठबंधन। हे दोस्तों, हिंदू ज्योतिष के अनुसार मांगलिक लड़के या लड़की की गैर मांगलिक लड़की या लड़के से शादी करने के लिए पहले मांगलिक दोष दूर किया जाता है। इस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मांगलिक को कुंभ विवाह करना होता है। यह कुंभ विवाह भगवान विष्णु की मूर्ति या पीपल या केले के पेड़ के साथ होता है। अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले मांगलिक दोष वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी कुंभ विवाह की रस्म पूरी करने के लिए पीपल और केले के पेड़ के साथ साथ भगवान विष्णु के मूर्ति के साथ शादी की थी। तो यही थी हमारी आज की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आंसर करना ना भूले और हाँ दोस्तों, घंटा दबाना ना भूले। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मिस्ट्रीज वाले वीडियोस लाती रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।